टीचर से सुना हो, जब आपने टीचर से कुछ अच्छा सुना हो। एवरीथिंग वी कैन सी इज बिकॉज ऑफ लाइट। ओके, लाइट हैज डबल नेचर। वाओ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउ टू सी। एकदम सही बात। अब तुम कुछ फिजिकल भाषा बोलो। फास्टेस्ट थिंग्स, यस, एनेबल अस टू सी। थंडर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कुछ टेक्निकल शब्द आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज द सोर्स बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट, बोथ वेव पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ड्यूल नेचर, ऑलवेज इन हरी। यस, गुड। यस, आप लोग काफी हद तक समझ चुके हैं कि लाइट क्या होती है। सो लाइट के बारे में थोड़ा प्रीवियस नॉलेज देते हैं। लाइट क्या था, कैसे कैसे फिजिक्स में डेवलप होती गई, ताकि आपके आइडियाज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लाइट आपने एकदम सही कहा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम सिंपल कह सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसका मेन काम क्या होता है? जिस तरह हमारे कान किस लिए हैं, सुनने के लिए। आईज का काम क्या है, देखने का। हम किसी भी चीज को तब तक देख सकते हैं अगर कोई लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है ना। अगर मैं रूम में हूँ, मैं लाइट ऑफ कर दूँ, ऑब्जेक्ट सारे उस रूम में है बट मैं देख नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं। इसका मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, और वो हमारी आईज जो होती है उस वेव को पहचान पाती है। जिस तरह हमारे ईयर्स क्या करते हैं, साउंड वेव को डिटेक्ट करते हैं और हम साउंड सुन पाते हैं। पर एक रेंज होती है जहां पर हम साउंड को सुन पाते हैं, उसके लिए लाइट होता है। लाइट क्या करती है, हमारी आईज एक पर्टिकुलर रेंज को ही देख पाते हैं। हम एक्सरेज नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट रेज नहीं देख सकते हैं, हम इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं देख सकते हैं। हम केवल उस विजिबल लाइट को देख सकते हैं जहाँ पर एक सेवन कलर्स होते हैं। ठीक है, तो जब न्यूटन अंकल थे, न्यूटन बार बार आते हैं, मोशन में भी न्यूटन आते हैं, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन अंकल आते हैं। तो जो न्यूटन अंकल थे वो कहते थे जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है ना। इसके बाद हमेशा डिबेट हुआ। आइंस्टाइन अंकल ने इसको सही थोड़ा अच्छे लेवल पे बताया, लेकिन उससे पहले जब न्यूटन अंकल थे वो कहते थे ये पार्टिकल नेचर है। बाद के साइंटिस्ट आए वो कहते थे वेव नेचर है। और हमेशा साइंटिस्टों में झगड़ा रहता है, कोई कहता मैं सही हूँ, कोई कहता मैं सही। तो कहीं ना कहीं दोनों सही थे, ये आइंस्टाइन ने बताया। तो न्यूटन अंकल क्या कहते थे, न्यूटन अंकल कहते थे भाई लाइट से हमारी शेडो बनती है। लाइट से अगर हम शेडो देखते हैं, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, देखो शेडो बनती है। और शेडो कैसे होते हैं, शार्प होती है। इसलिए न्यूटन अंकल क्या कहते थे कि जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर, कि मतलब लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आते थे उन्होंने ये कहा कि लाइट है वो वेव नेचर की भी है। अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे ना, एक्चुअली ये सब कंसेप्ट आपको फ्यूचर क्लासेस में सिखाया जाएगा। जब 12th क्लास में जाओगे वहां पर आपको लाइट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर तो लाइट में हम केवल दो ही फिनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी हम बस बेसिक्स समझते हैं लाइट होती क्या है। तो लाइट का जब वेव नेचर की बात हो, है ना, पहले अब तुमको ये पता है कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अभी इस एनर्जी की बात करते हैं, जो लाइट आती है, लाइट कहाँ से एमिट होती है, हम वेव तक बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो लाइट होती है, लाइट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस। एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, ल्यूमिनस के एग्जाम्पल क्या है, नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल क्या है, ल्यूमिनस में क्या क्या आता है? बल्ब, सन। यस, तो जो ल्यूमिनस का मतलब होता है जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है, दे ऑन्स देयर लाइट, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिसमें आपका सन आता है, आपका स्टार आता है, आप कैंडल भी कह सकते हो, आप बल्ब भी कह सकते हो, बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह। नॉन ल्यूमिनस मतलब जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता, जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता, ये क्या करते हैं, ये दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल एकदम सही है। इसके अलावा जो कुछ बच जाता है सब क्या है, नॉन ल्यूमिनेशन। ठीक है,
अब फिजिक्स की भाषा में लाइट को क्या कहते हैं, लाइट इज ए विजिबल लाइट ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लाइट होती है, लाइट को क्या कहा जाता है, लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम। जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है, अगर इसको उस भाषा में समझे। ठीक है, अब इसका वेव नेचर के बारे में समझते हैं कि वेव नेचर क्या है। ठीक है, इसको हम वेव नेचर क्यों कहते हैं, कि लाइट को वेव नेचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेव का मतलब क्या है। आप लोगों ने सी देखा है ना, सी, सी में टाइड्स आते हैं, क्या उन टाइड्स में कुछ पावर है, उसमें एनर्जी है ना? सी टाइड जब आते हैं, देखो अभी बीच में तूफान वगैरह आए थे, साइक्लोन्स आए थे, है ना, तो जो टाइड होती है उसमें एनर्जी है। इसका मतलब जो भी वेव जिसमें जो भी एनर्जी इस लाइट में क्या है, बहुत सारी एनर्जी है, ये इसके वेव नेचर को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये प्रोपेगेट कैसे करती है, ये चलती है ना, जैसे लाइट सोर्स होता है वो आपको दूर तक आप उसको देख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दूर से देख सकते हो लाइट की वजह से। ठीक है, अब जो वेव नेचर होता है, वेव नेचर को हम स्टडी करते हैं, तीन चार चीजें पढ़ते थे हम, पढ़ते थे वेव लेंथ, वेव कैसी होती है, समथिंग ऐसी होती है, इसी को वेव बोलते थे हम लोग, या आप लोगों नाइन्थ क्लास में साउंड में पढ़ा था। वेव में तीन चीजें आप लोग पढ़ते थे, वेव लेंथ, और क्या पढ़ते थे, फ्रीक्वेंसी, और क्या पढ़ते थे, एम्पलीट्यूड। हम हल्का सा रिविजन लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा कि लाइट को हम वेव क्यों कहते थे। ठीक है, अब वेव लेंथ क्या होता है, व्हाट इज वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते थे, इसका यूनिट मीटर होता था। तो समझो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ तक अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते थे लैम्डा। ठीक है, तो ये एक समझो आपका क्रेस्ट, ये बोलते थे ना, इस टॉप को क्या बोलते थे हम लोग, क्रेस्ट। ये सब लोग आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, हम बस उस काल का सा रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते थे बताइए, क्या बोलते हैं, यस ट्रफ, बच्चों को याद है, गुड। ठीक है, तो किसी भी दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, या तो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते थे, वेवलेंथ। हाँ अच्छा, आप लोग नाइन्थ में डिलीट हो गए, बट वही बोला ये चीजें बाद में आपको काम आएगी, इलेवंथ में भी आएगा, 12th में, इसलिए हम हल्का फुल्का रिविजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों का हल्का सा रिविजन हो। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, देखो ये वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर मैं इस एक लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये समझो आपका एक लोकेशन ये है, तो इसके थ्रू एक सेकेंड में जितनी भी वेव्स आगे जाएंगी उसको हम किससे मेजर करते हैं, फ्रिक्वेंसी से, कि भाई एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स कितना ट्रेवल करेगी, वो किससे हम बताते हैं, फ्रीक्वेंसी से। इसको किससे मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ये यूनिट होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ वहां से निकल रही है, इसको हम कभी ऐसे भी डिनोट करते थे, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा, और वेवलेंथ जितना छोटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। थर्ड चीज आपकी आती थी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये जो हाइट है ये कितना ऊपर जा रही है, देखो एक वेवलेंथ ये है और एक ये ऐसा, अगर इसका हाइट और इसका हाइट में डिफरेंस है, तो जिसका ही हाइट ज्यादा बड़ा होता है इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, इसका मतलब उसमें
इंटेंसिटी भी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें पावर भी ज्यादा है। तो वेव की जो पावर होती है वो एक्चुअल में हमको एम्पलीट्यूड से पता लगा कि वो कितनी उसमें एनर्जी है या कितनी पोटेंशियल। यहां तक सबको क्लियर? फिर आगे चलेंगे। यहां तक सबको क्लियर? यस। कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। फिर आगे और चलते हैं लाइट में। हम आगे लाइट में कुछ और पढ़े, अभी हमने वेव्स के बारे में पढ़ी, ठीक है। अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूटन अंकल ने हमको बता दिया था भैया पार्टिकल नेचर है, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको वेव प्रूफ कर दिया था। तो 1980 तक याद रखना, 1980 तक यही माना जाता था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है, वो पार्टिकल नेचर नहीं है। सर इन वन वे इज द वेवलेंथ सेम प्रॉडक्ट? यस बच्चा, वेवलेंथ सेम रहता है, ठीक है। तो न्यूटन अंकल कब आए थे? 1500 AD के आसपास आए थे। उन्होंने क्या कहा था, इसका पार्टिकल नेचर है। लेकिन उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए और तकरीबन 300 साल तक 300 ईयर्स तक क्या था भाई, ये वेव नेचर है, ठीक है। अब क्योंकि इसके जो फिनोमेना थे वो काफी सारे कैसे थे, वो वेव नेचर के थे, जैसे भी हमने बताया फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसमें पावर है। इसका एक और खासियत क्या था, इसका खासियत क्या था, ये विदाउट एनी मीडियम ये ट्रेवल कर सकती थी। विदाउट एनी मीडियम लाइट आपकी ट्रेवल कर सकती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, याद रखिए, ठीक है। मीडियम मिला तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा। देखो सन से जो लाइट आती है बीच में वैक्यूम है उसमें ट्रेवल करती है, एटमोसफेयर में एंटर करती है तब भी ट्रेवल करती है। इसका मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब लाइट में कुछ फिनोमेना देखे गए, रिफ्लेक्शन, ये कुछ फिनोमेना है जो कनेक्टेड थे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जिसको हम पढ़ेंगे, और कई सारे फिनोमेना थे, इंटरफेरेंस ये आप सीनियर क्लासेस से पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ये सब जो इफेक्ट्स हैं ये लाइट की वजह से होते हैं। तो टेंथ क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आपको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ाया जाएगा। जब हम लाइट का दूसरा जो पार्ट है ह्यूमन आई, जब हम ह्यूमन आई को पढ़ेंगे इन दोनों पार्ट्स को टचअप करेंगे कि वो इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, हल्का फुल्का इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो जो ये लाइट कैसी है, लाइट को हमने क्या बताया था, लाइट क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ये ऐसे चलती है, ठीक। अभी जब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, हम सबको मालूम है एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पूरा एक बैंडविड्थ होता है ऐसा, ठीक है। इसमें अगर हम मेजर करते हैं, इसमें ये छोटा सा पोर्शन होता है ये वाला, ये होता है आपका विजिबल लाइट जो लगभग 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ये इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। हम केवल इतना ही पार्ट देख सकते हैं लाइट का, जबकि बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी एरिया है, हाई फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पर आपका लो फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में क्या होता है आपका, गामा रेज रहती है, ठीक समथिंग, यहाँ इतना बैंड होता है ये आपका गामा रेज का होता है। इसके पीछे यहां पर आपकी होती है एक्स रेज, यहां पर आपकी होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, ये बीच का स्पेक्ट्रम आपका होता है विजिबल लाइट जिसको विब्ग्योरी बोलते हैं, यहां पर आपका VIBGYOUR विब्ग्योरी, आई थिंक ये स्पेलिंग होते हैं,
और यूनियन। इसके आगे विपगर के आगे क्या होता है आपकी इंफ्रारेड, ये स्पेक्ट्रम आपका किसका होता है इंफ्रारेड का होता है, उसके आगे आपका रेडियो वेव्स। तो ये कंप्लीट आपका स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें से हम केवल इस पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, ये पूरा जो चैप्टर है ये केवल विजिबल लाइट के फिनोमेनों को बताने के लिए है। तो जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि लाइट का जो नेचर होता है वेव नेचर होता है, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन भी दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन भी दे रहा है, ये पोलराइजेशन भी कर रहा है। अब एक इफेक्ट होता है 1900 AD तक क्या माना जाता था कि लाइट क्या है वेव नेचर। इन लोगों ने क्या किया, न्यूटन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम न्यूटन की थ्योरी को नहीं मानते, हम क्या मानते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर नहीं। तो 1900 AD में एक समस्या आई, क्या समस्या आई, एक इफेक्ट होता था जिसको कहते थे फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इसमें क्या होता था, जैसे आपका कोई मेटल है इसके ऊपर जब आप लाइट वेव, इसके ऊपर हम लाइट लगाते थे या इसके ऊपर बम्बार्ड करते थे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होने स्टार्ट हो जाते थे, इस मेटल पीस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते थे, इसको कहते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते, क्योंकि लाइट में क्या है एनर्जी है, वो क्या कर रही थी जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनको थोड़ा सा एनर्जी दे के उसको बाहर निकालते थे, इसको कहते थे फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है, अब समस्या क्या है, यहां तक तो एकदम ठीक था कि भाई लाइट पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन इन्होंने एक चीज फाइंड आउट की कि जब इस लाइट की हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले मान लो एक बल्ब था तो उसकी इंटेंसिटी समझो आपकी समथिंग कोई है, अगर आपने 10 बल्ब यूज किए, तो इससे क्या होना चाहिए बताइए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए था या ना, है ना, जैसे अब ज्यादा एनर्जी आएगी, आपने बहुत सारी लाइट लगा दी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए एकदम, आप भी कहते हो मैं भी कहता हूँ, और उस टाइम साइंटिस्ट भी ये कह रहे थे कि भाई आपने कई सारे बल्ब लगा दिए, आपने बहुत सारी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलने चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन्होंने नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ा दिए तब भी, तब उनको एक चीज समझ आई भाई हो कैसे रहा, क्योंकि ये किसका फिनोमेना था, ये वेव नेचर का था, वेव मतलब एनर्जी, ठीक है ना, वेव मतलब एनर्जी, जब आपने ज्यादा पावर की मतलब ज्यादा इंटेंसिटी की आपने लाइट दी तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए कि वो अपना एनर्जी उसको दे रही है, पर ऐसा नहीं हो रहा। तब क्या हुआ, ये लोग कंफ्यूज हो गए भाई ये वेव नेचर है या नहीं है। तब 1905 AD में तब आए बड़े अंकल जिनको हम कहते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस चीज को फिर बताने की कोशिश किया, इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है लाइट बहुत स्मॉल पार्टिकल से बनी है जिसको हम कहते हैं आजकल फोटोन। तो फोटोन की डिस्कवरी अल्बर्ट अंकल ने की थी, तो इन्होंने ये कहा बट ये जो फोटोन्स होते हैं ये इनका मास नहीं होता, नॉर्मली किसी पार्टिकल का क्या होता है मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का भी मास हमने सुना है, हमने प्रोटॉन का मास सुना है सबने, पर इन्होंने क्या कहा कि लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, उसको फोटोन कहते हैं बट उसका मास नहीं है, उसमें केवल एनर्जी है, पार्टिकल तो है बट कैसा है वो लाइट की फॉर्म में, उसका कोई मास नहीं है, उसमें केवल एनर्जी है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आप जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली फर्क पड़ता था फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो इंटेंसिटी यहां पर काम नहीं कर रही थी, लाइट का जो फिनोमेना होता है फ्रीक्वेंसी, जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे थे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर निकल रहे थे, इसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर
नहीं निकलते। तो यहां पर आपका वेव थ्योरी रिफ्यूट हुआ था यहां पर कि भाई ये वेव नेचर भी नहीं है। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो लाइट होती है ये ड्यूल नेचर शो करता है। ड्यूल मतलब ये दो धारी तलवार है, ये दो नेचर बताती है। ये भाई पार्टिकल में पार्टिकल नेचर भी है, इसमें कुछ फिनोमेन कैसे होते हैं पार्टिकल नेचर के होते हैं, कुछ फिनोमेन कैसे हैं वेव नेचर के। और उसकी वजह से अल्बर्ट जी को आइंस्टाइन जी को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला था इस चीज की डिस्कवरी। अंडरस्टूड? इसलिए कहा जाता है जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर भी है, ये वेव नेचर भी है। तो कुछ फिनोमेना जैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ये कुछ इफेक्ट्स कैसे हैं, कुछ पार्टिकल कुछ आपके वेव नेचर के। अंडरस्टूड सबको यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर हम एक्चुअल में चैप्टर में एंट्री करेंगे। या आपके एनसीईआरटी में केवल हाफ पेज का था जिसमें हमारा भी हाफ एन आवर लगा है, आपके इस चैप्टर में केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दो फिनोमेना है जिसको हम पढ़ेंगे, बाकी फिनोमेना आप लोग सीमेंट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, चल अब हम चैप्टर की शुरुआत पे आते हैं। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं, कुछ हम इसको रिपीट फास्ट रिपीट करेंगे, ठीक है? तो ये आपको मैंने सब बता दिया है। लाइट इज ए कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया है। इसका मेन क्या काम होता है? सेंसेशन ऑफ साइट हमारी आईज में जो है प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? ये एक लाइट शेडो प्रोड्यूस करता है जब भी किसी बॉडी ऐसे इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, हम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट या ऑप्टिक, है ना? ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? तो जब भी लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आता है, किस तरह का ऑब्जेक्ट? ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? उसका शेडो क्रिएट होता है। और इसलिए कहा जाता है लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है। लाइट का ड्यूल नेचर है जो भी हमने पढ़ा, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर। और लाइट के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? आप फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है? तो पार्टिकल नेचर किसने बताया था? न्यूटन अंकल, ठीक है? ये किस किस से पता लगता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका रिफ्लेक्शन, आपके रिफ्रेक्शन, ये फिनोमेना ऐसे होते हैं। तो मैंने न्यूटन अंकल का थ्योरी इसमें लिख के रखा था, आप लोगों को मैं शीट भेजूंगा तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, वो उसको कॉर्पस्कुलर कहता था, जिसको आज हम फोटोन्स कहते हैं, वो न्यूटन अंकल ने उस टाइम बता दिया, ठीक है? इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। इसका जो फिनोमेना था रिफ्लेक्शन, कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे जब आती है तो ट्रेवल बैक करती है, ये लाइट का फिनोमेना था। इसको आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है? हमने इफेक्ट डिस्कस कर लिया। फोटो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, ये क्या होता है? जब लाइट रेस मेटल सरफेस ऊपर गिरती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो अपना जगह छोड़ के बाहर निकल जाते हैं मेटल से। तो कुछ वेव फिनोमेना है ये हमने पढ़ लिया है। डिफ्रेक्शन क्या होता है, ये आपको मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको सीनियर क्लासेस में हेल्प हो जाएगा। डिफ्रेक्शन क्या कहता है? डिफ्रेक्शन कहता है व्हेन लाइट वेव हिट एन ऑब्स्टेकल इट बेंड अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। देखो ये लाइट यहाँ से आई, जब यहाँ से इस पर टकराई तो पूरी फैल जाती है, जब यहाँ से बेंड हो गई, ये बेंडिंग नेचर को कहते हैं डिफ्रेक्शन, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है? ये मेनली आप सीनियर क्लासेस पढ़ोगे, इसका यहाँ पर ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। ये इंटरफेरेंस फेनोमेना है, आप लोगों ने कभी देखा है कि आप दो ट्यूबलाइट लीजिए और उनको ऑन कीजिए और दोनों का ऐसे कीजिए एक दूसरे के सामने, दो पार्टिकल होते थे, अगर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर हिट करो क्या होगा? पार्टिकल दोनों टकरा जाएंगे। पर आपने कभी लाइट में से देखा है? आपके घर में एक बल्ब इस दीवार पे, एक बल्ब इस दीवार पे, एक बल्ब पिछली दीवार, देखो ये चारों चलते हैं तो आपस में इनकी लाइट क्या होती है? आपस में इंटरफेयर कर जाती है ना, क्या होती है? आपस में मिक्सिंग हो जाती है, ठीक? और मिक्सिंग होके आपके ऐसे नए कलर बैंड प्रोड्यूस होते हैं, कलर बैंड यहाँ पर बनते हैं। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, इसको हम कहते हैं यंग
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया था, यहां से एक लाइट वे आया, उसने छोटा स्लिट छोड़ दिया, फिर आगे उसने दो छोटे छोटे छेद छोड़ दिए, यहां से लाइट ऐसे जा रहा था, ऐसा वेव नेचर ऐसा सब, और यहां से भी ऐसे जा रहा है। तो आपस में दोनों क्या हो रहे थे, आपस दोनों क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को। इस क्रॉसिंग की वजह से क्या होता था, इस दीवार पे, इस वॉल पे कहीं पर रेड, कहीं पर ब्लू, कहीं पर येलो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लाइट एक दूसरे को कट नहीं कर रही थी, क्या कर रही थी, आपस में इंटरफेयर होके नए कलर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, वो इसी वजह से होता है जो ये फिनोमेना होता है, इस वजह से होता है। या आप लोग सीनियर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। या आपका पोलराइजेशन इफेक्ट, देखो लाइट सोर्स होता है, आप लोगों ने चीज ध्यान दिया होगा, समझो सन है, ये लाइट हर जगह भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, हर जगह लाइट आ रही है। ठीक है, आपका जो बल्ब होता है घर में, वो देखो बहुत सारी लाइट थ्रो करता है। तो लाइट में देखो, लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, एक्स एक्सिस पे भी ट्रेवल कर रही है, वाई पे भी कर रही है, जेड पे भी कर रही है। लेकिन देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप केवल एक देख सकते हो, देखो आपके आईज हैं, आप या तो सामने देख सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे देख सकते हो, है ना। आप देखो, जो आप आईज को ऊपर नीचे करोगे तो आप लेफ्ट और राइट का ज्यादा नहीं देख पाते। अगर आपको लेफ्ट राइट का देखना है सर, तो आप ऊपर नीचे नहीं देख सकते। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। हमारी आईज का काम करती है, लाइट तो हर सोर्स से आती है, लाइट यहाँ से भी आ रही है, लाइट यहाँ से भी, लाइट यहाँ से, लेकिन हमारी लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में फोकस करती है, या तो एक्स एक्सिस में फोकस करती है, या वाई एक्सिस में फोकस करती है, या जेड एक्सिस में फोकस करती है ना। अदरवाइज हम हर जगह, आप देखो अपनी आईज को आप हर जगह नहीं कर सकते, आप या तो सामने की चीज देख सकते हो, तो देखो आपका एंगल तो बड़ा है देखने का, आप साइड वाली चीज को सिर्फ विजुलाइज कर सकते हो, पर आपका कंसेंट्रेशन केवल सामने रहता है। या तो आप एक्स एक्सिस देख सकते हो, या वाई एक्सिस देख सकते हो, या आप जेड एक्सिस देख सकते हो। इस इफेक्ट बोलते थे पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। इसी पार्टिकुलर पार्टिकुलर नेचर और वेव नेचर को क्या कहते हैं, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसको आप लोग फ्यूचर में पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में। यहां तक सबको क्लियर? चलिए गुड, आगे चल सकते हैं। यहां तो किसी को डाउट नहीं है, ये हमने पढ़ लिया था। तो सोर्स ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब लाइट पढ़ेंगे तो कुछ ही हमको पता होगा। ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन। दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। सेल ल्यूमिनस हमने पढ़ लिया है, सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, मून, बुक टेबल। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, साइंटिस्ट लोग भी आप नहीं ढूंढ पाए, देखते आप लोग बता पाते हो। ठीक है, नॉर्मली जो सन होता है, पिछली बार सुदीप्तो सर ने भी अच्छे से पूछा था, मैं भी आपसे पूछता हूँ, देखिए आप लोग इसका जवाब बता सकते हो। ठीक है, हमें जो इसकी जो लाइट आती है, ठीक है, हमको हीट महसूस हो रहा है। ठीक है, अगर ये किसी वुड पे गिरता है, अगर ये सनलाइट इस वुड के ऊपर गिरता है, ये मालूम बाहर रखा है, ये गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। पर एक चीज बताइए, जो मून से जो लाइट आती है, ये जो लाइट आती है, इसको कोल्ड क्यों कहते हैं, इसमें गर्मी क्यों नहीं होती? कहते हैं चांद की चांदनी है ना, जो चांदनी होती है वो शीतल होती है। तो ऐसा क्या होता है, देखो ये रिफ्लेक्ट होती है, ये क्या हो गया, गर्म हो गया है, पर यहाँ पर यहाँ से जो रिफ्लेक्शन आता है वो कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ये गर्म क्यों नहीं होता, साइंटिस्टों को भी ढूंढ रहे हैं। क्या आप में कोई साइंटिस्ट है, कुछ है मुझे मालूम नहीं, बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हो, किसी को अगर जॉब पता हो तो। मून एब्जॉर्ब हीट मे बी एंड ओनली रिफ्लेक्ट लाइट, मून रिफ्लेक्ट लाइट वेल सन मिट लाइट। ओके, और कुछ, एक दो बच्चे हैं जिनको जॉब पता है, मैं उनसे जॉब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये जॉब ठीक है। और कुछ मतलब साइंटिस्ट लोग ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो आपको पता है। ड्यू टू दिस फ्रीजिंग टेम्परेचर इन द स्पेस, ये हमारा सन
ये हमारा मून, यहाँ पर लाइट गई रिफ्लेक्ट हो गया। देखो अर्थ पे क्या होता है, ये सन होता है, अगर यहाँ पर कोई मिरर है ठीक है, ये लाइट इस पे गई, यहाँ से लाइट वापिस आती है, ये हॉट होती है, याद रखना है ना। ओके, ड्यू टू फ्रीजिंग सर, बिकॉज मून डज नॉट हैव ऑन लाइट, इट जस्ट पास सन लाइट थ्रू इट एंड नॉट हीट। यस गुड, ये भी बात सही। देखो ये आपका सन है, ये वाली आपकी मिरर है ना, जब इससे सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये कैसी होती है, गर्म होती है, ये तो सबने देखा। यहाँ पर मिरर क्या काम कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, मिरर ने क्या काम किया, रिफ्लेक्ट किया, ये सन रेज आई मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पर आके हमको हीट महसूस होता है। अब यहाँ पर इस मिरर को रिप्लेस कर दो मून से, सनलाइट आई यहाँ इसे रिफ्लेक्ट हुई हमारे पास आई, ये कोल्ड होती है। Moon get light in and release in the form of cool. Moon must be absorbing heat. और कोई प्रसिद्धि? आर्या, अनुष्का, बताइए बताइए। साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे थे, इसका जवाब नहीं मिला, मैं आपको पहले बताया था। तो आप लोग सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मुझे इसका जवाब पता है, तो आप सोच सकते हो। मुझे एक चीज समझ में आती है, पता नहीं मैं करेक्ट भी हो सकता हूँ रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैंने कहा ना साइंटिस्ट बोल रहे थे, मैं करेक्ट भी हो सकता हूँ। लाइट में जो लाइट होती है इसमें दोनों चीजें होती है, इसमें एक होता है विजिबल लाइट और इस लाइट जो सन रेज आते हैं, हो सकता है मैं करेक्ट हूँ, जो सन रेज होती है इसमें तीनों चीजें होती है, क्या क्या, अल्ट्रावायलेट भी होता है, इसमें विजिबल लाइट भी होती है एंड इसमें इंफ्रारेड वेव्स भी होती है, ठीक है, इसमें तीनों चीजें होती है। आप देखो जो हमारा ओजोन लेयर होता है हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, बट हमारे एटमॉस्फेयर से विजिबल लाइट और इंफ्रारेड दोनों आती है। तो जो विजिबल लाइट होती है ये केवल विजन का काम करती है, हमेशा याद रखना, जो विजिबल लाइट होती है ना, जो बल्ब होता है वो आपको लाइट और हीट दोनों देता है, तो जो हीटिंग इफेक्ट आता है वो इसके वजह से आता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से। जो लाइट होती है मतलब जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, इसमें हीट नहीं होती, जो मुझे समझ में आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे मैंने जो इसको पर समझा, मैंने इसको पर कंटेम्पलेट किया, मैं इसको सोच पाया, तो मैंने ये सोचा कि जो सनरेज होती है उसमें अल्ट्रावायलेट भी होता है, विजिबल भी होते हैं और इंफ्रारेड भी होती है, और इंफ्रारेड जो होता है वो हीटिंग की वजह से होता है। अगर सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे तो इंफ्रारेड जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट होता है और जो विजिबल लाइट होती है वो विजन के लिए होती है। तो जब मिरर से ये रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पर आपका विजिबल लाइट और इंफ्रारेड ये दोनों ट्रांसफर होकर आता है, पर आई थिंक मून के केस में मून क्या करता होगा, इस इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता होगा और केवल विजिबल लाइट हमारे तक पहुंचती। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पहले बता, आप लोग सोचते रहिए, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसका जवाब जानता हूँ, मैं आपकी तरह सोच सकता हूँ, आपको कहीं से जवाब मिले आप मुझे पक्का बताइएगा, क्लियर, आगे चले। आगे चले, यस। तो हमने लाइट में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सोर्स, लाइट किस सोर्स से आता है, ल्यूमिनस भी हो सकता है नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। सेकंड होता है मीडियम, ठीक है, लाइट किस मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो तीन तरह के मीडियम बताए गए, फर्स्ट मीडियम है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जैसे सनरेज आती है एटमोसफेयर से एंटर करती है और हम तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो लाइट जो होती है वो एयर के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकती है, वाटर के थ्रू प्रोपोगेट कर सकती है और ग्लास के थ्रू, मतलब ये आर पार जा सकती है, ये रुकती नहीं है, हाँ स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, इस फिनोमेनन को हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है, स्पीड कम हो सकती है बट लाइट पास पक्का होती है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है, जिसके थ्रू आपकी लाइट पास हो सकती है। ट्रांसलुकेंट मीडियम क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास तो होती है बट
विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे आप लोग कभी ऑफिस में जाते हो ना, वो शीशा ऐसे लगा होता है कि आपको दिखता है कि पीछे परछाई तो है, पीछे कोई आदमी तो है, आपको उसका शेडो दिखेगा, पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो आदमी कौन है। नहीं, ठीक, उसको ब्लर कर देते हैं, जैसे फोटो को ब्लर कर देते हैं, ऐसे समझो। ट्रांसकुलर मतलब एक तरह से आपने टिश्यू पेपर कभी देखा होगा, एकदम लाइट सा टिश्यू पेपर है ना, लाइट सा एकदम टिश्यू पेपर। सर, इफ ग्लास लेट लाइट पासेस देन हाउ वी कैन सी इट, हम किसको बच्चा? अच्छा, देखो ये आपका ग्लास है, जब सन रेज इसके थ्रू पास होती है, जो हम सीन बोलते हैं ना, आप जो बोल रहे हो, क्या देख पाते हैं, ये है इमेज। हम किसी चीज को तभी देख सकते हैं जब उसकी इमेज बनती है। हमारी आईज जो होती है ना, वो एक लेंस का काम करती है, हम आने वाले टाइम में लेंस पड़ेंगे। तो ये राइट रे, अभी देखो इसको, इसका थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, बहुत थोड़ा सा, बाकी पार्ट सब पास हो जाता है। किसी भी चीज को देखने के लिए इमेज बनना बहुत जरूरी होता है, जब तक इमेज नहीं बनेगा आप उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है बच्चा, इसको हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम। तो लाइट यहाँ से पास होती है, आप केवल इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। इस ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हो? क्योंकि लाइट का कुछ पोर्शन ये रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पोर्शन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आप इस ग्लास को देख पाते। लेकिन लाइट तो पूरा एक, लाइट हम केवल रे से प्रेजेंट करते हैं, पर लाइट तो पूरा ऐसा आता है ना बच्चा, पूरा ऐसा। तो क्या होती है, कुछ लाइट इसके बाउंड्रीज से रिफ्लेक्ट होती है, साइड से, इसलिए हम इसको देख पाते। ठीक आ रहा है? यस। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वुड, मेटल, जिनके थ्रू लाइट पास ऑन नहीं हो सकती, ठीक है, उसके अंदर सलाइट नहीं जा सकती, वो टोटली रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रे, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसा एक तरह से, यहाँ पर कुछ नहीं होता, एंड पॉइंट होता है, मतलब ये सोर्स आपका, और ये आपको बताता है, ये एरो क्या बताता है, लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग द लाइट ट्रेवल, लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी ऐसा, इसको आप ऐसे बी ए नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना इसको गलत होगा। सर, देन इज इट लाइक दैट इट वुड हैव टोटली लेट पास थ्रू इट, देन यू विल जस्ट फील इट और नॉट सी इट। नहीं बेटा, देखो मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो ग्लास क्या होता है, आप कौन से ग्लास की बात कर रहे हो, मिरर अलग होता है, ठीक है, मिरर ग्लास को जब पॉलिश कर देता है मिरर बन जाता है, तो उसमें अपना चेहरा देख पाता है, कौन से ग्लास की बात कर। देखो आपके ग्लास ऐसे होते हैं, आपने कभी ग्लास क्यूब देखा होगा ऐसा, ये प्योर ग्लास का बना, ठीक है, अगर मैं यहां से लाइट ऐसे पास करता हूँ इसके इस सरफेस से, तो लाइट इसके अंदर से जाएगी और यहां से बाहर निकल जाएगी। एक तो इसको बोलते हैं मतलब लाइट पास हो गई, लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है, लाइट यहाँ के थ्रू ट्रेवल कर रही है, इसको बोलते हैं लाइट को पास होना। आप लोग किस चीज की बात कर रहे हैं कि ग्लास को देखना, मतलब क्या चीज, आप अनम्यूट करके पूछिए अगर आपको डाउट हो। संजय अनम्यूट करके पूछो अपने आपको, आप लोगों ने ये देखा था लेंस, इसको जब सर में गिरती थी नीचे वो जलता था कागज, ये क्यों जल पाता है, क्योंकि इसके अंदर से लाइट आती है और इसके ऊपर गिरती है, इसको गर्म करती है, अगर ये लाइट को पास नहीं होने देगा तो ये पेपर जल पाएगा, ये नहीं जल पाता। इफ लाइट गेट पास एंड लो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, सो हाउ वी कैन सी ग्लास, बेटा जो ग्लास होगा ये साइड का पोर्शन है, साइड का पोर्शन, हमने लाइट का एक फिनोमेना पढ़ा ना जिसको हम कहते हैं डिफ्रेक्शन, ये फिनोमेना भी काम करता है, एक साथ कई चीज पढ़ेंगे। लाइट केवल रिफ्लेक्ट नहीं करती है, लाइट साथ में डिफ्रेक्ट भी करती है,
डिफरेंट फिनोमेना क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट अगर आ रही है ठीक है, इसके कॉर्नर जो होते हैं, इसके जो कॉर्नर है यहाँ से लाइट बेंड होती है, तो जहां पर भी बेंड होती है उसको हम देख सकते हैं। अंडरस्टूड है सर? वी कैन नॉट सी एयर। हरिमनपुर जी, हाँ जी प्रू जी, सर वी कैन नॉट सी एयर सो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। यस, अब आप कुछ कुछ समझ रहे हो। आपकी जो लाइट के, आपकी जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, किसी चीज को, जैसे आपका कोई चीज है या आपकी सनरेज है, आपका जो फोटोन का जो साइज इसके साइज से बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए आप इसको देख पाते हो। अगर इसको आप वैसे समझना चाहते हो वैसे आप इसको समझ सकते, ठीक है। जिस भी चीज को लाइट रिफ्लेक्ट कर पाएगी हम उसी को देख पाएंगे। आप लोगों ने वो मिस्टर इंडिया देखा था? मिस्टर इंडिया में अगर किसी आदमी को हमको गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट इसके ऊपर पड़े तो, बट इससे रिफ्लेक्ट ना हो। मिस्टर इंडिया का कॉन्सेप्ट यही था। घड़ी क्या करती थी? लाइट वेव को इसके थ्रू पास कर देती थी। तो जहां पर भी आपको कोई चीज दिखती है इसका मतलब वहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी आप उस चीज को नहीं देख सकते हो। अभी अंडरस्टूड है या अभी कोई डाउट है किसी को? हाँ जी संध्या प्रार्थना। सो सर अवर स्किन इज ट्रांसपुलेंट और ऑक्यू। हमारी स्किन तो ऑक्यू है। है ना, तभी तो अपनी स्किन को देख सकते हैं। और किसी को डाउट यहां तक? संध्या, अथर्व, आर्या, आपके डाउट्स क्लियर हुए? सर देन इट लाइक इफ ग्लास वुड हैव टोटली लेट लाइट पास थ्रू इट देन वी जस्ट फील इट नॉट सी इट। बेटा लाइट का केवल फिलोमिना आप ग्लास से क्या समझ पा रहे हो? मैं आपको सर रिफ्लेक्शन ऑल्सो नोन एज बाउंसिंग ऑफ लाइट। हाँ नहीं, रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रेक्शन अलग है, ये दो टर्म अलग होती है। एक होता है रिफ्लेक्ट, एक होता है रिफ्रेक्ट, ये दोनों अलग होती है। ये हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हमारी संध्या बेटा अटकी हुई है। संध्या कहना चाहती है सर देन इट इज लाइक ए ग्लास वुड हैव टोटली लेट लाइट पास थ्रू इट देन वी जस्ट फील इट। बेटा एक चीज समझो, आपको वापस समझने की कोशिश करता हूँ। ये समझो आपका ग्लास है, ठीक है, लाइट इसके ऊपर ऐसे एक लाइट नहीं आती, लाइट पूरा ऐसे बन जाता है, ये रेज है, ये इससे रेज आते हैं, ऐसे आते हैं। अब ये मीडियम क्या करता है, ये जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, अब ये किसका बना है? ये पार्टिकल का बना है, ये हवा का नहीं बना, ये किसका बना है? पार्टिकल का बना, ठीक है। तो इसमें जब लाइट पड़ती है ना तो कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होता है और बाकी पोर्शन इसका पास ऑन कर जाता है। इसलिए आप देखोगे जो ग्लास होता है, ग्लास में से जो आपकी यहां पर लाइट ऑफ जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3×10^8 m/s। जब ग्लास के थ्रू पास होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल जब पड़ते हैं, जब लाइट रेज
इसके सामने आती है तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और बाकी पोर्शन पास ऑन हो जाता है। तो जो पोर्शन, जो लाइट का पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल हमको दिखता है, वो ग्लास हमको दिखता है। अब यू अंडरस्टूड? सर, यस सर, ग्लास में लाइट की स्पीड कम होगी ना? हाँ, कम होगी ना, वाटर में भी कम हो जाती है, ग्लास में भी कम हो। जब रिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, जब इस फिनोमेना को पढ़ेंगे, तो वहां पर एक कंसेप्ट आएगा। संध्या, अभी क्लियर हुआ? ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास दो तरह के होते हैं बच्चा, ट्रांसपेरेंट ग्लास भी होता है एंड ट्रांसपेरेंट भी होता है। आप लोग कभी ऑफिस में जाओ, ऑफिस में क्या होता है आपकी, खासकर जब प्रिंसिपल आप चैम्बर में जाते हो, अगर वहां पर पार्टीशन है, तो दो तरह ग्लास होता है, एक तो पूरा क्लियर ग्लास होता है, एक क्या होता है उसको ब्लर कर दिया जाता है। कभी कभी आप किसी एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन शॉप पे जाना, तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये टॉपिक क्योंकि काफी बड़ा है और हम इन्हीं पे अटक जाएंगे तो हम ये टॉपिक कई दिनों में खत्म कर पाएंगे। अभी हम पढ़ रहे थे, उसको इरेज कर देता हूँ। आई होप डाउट अभी तो क्लियर है आप लोगों के, अभी तो कोई डाउट नहीं बचा किसी का। कुछ टॉपिक कैसे है ना आपकी सीनियर क्लासेस के लिए, आपके काफी कंसेप्ट कैसे भी आप सीनियर क्लासेस की चीजें पूछ रहे हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, लाइट ट्रेवल करती है, लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो लाइट इन तीन तरह से ट्रेवल कर सकती है। लाइट के जो रेज है वो सब कैसे हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब हम लोग जब स्पेरिकल मिरर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्पेरिकल मिरर, हम इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ेंगे, मिरर्स पढ़ेंगे और लेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्पेरिकल मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, अभी हम रिफ्लेक्शन फिनोमेनन पढ़ने से पहले, रिफ्लेक्शन जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रेस या तो सीधे निकल जाएंगी, ठीक है, या टकरा के इधर निकल जाएगी, यह क्या हो सकता है, टकरा के बाउंस भी कर सकती है। तीन फिनोमेना पढ़ेंगे, तो लाइट जो रेज है वो तीन तरह से ट्रेवल कर सकती है, आपको अपीयर होंगी, है ना, आपको कैसे होगी, आपको अपीयर होंगी, कैसे अपीयर होंगी, वो पैरेलली चल रही है या वो डाइवर्जेंट कर रही है, डाइवर्जेंट मतलब निकल रही है, बाहर की तरफ डाइवर्ट कर रही है, और कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज मतलब कमिंग, कमिंग मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, तो देखो सारी रेज आ रही है पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, माइक किस कौन है, आदित्य, जानवी, आदित्य, आदित्य माइक ऑफ करो, कुछ बच्चे क्लास में होते लेकिन क्लास के बाहर रहते हैं, इससे पता लगता है। चलो इस देखो, यहाँ पर सोर्स आपको क्या पता लगता है, यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट बाहर डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग सोर्सेस से लाइट एक ही पॉइंट पे आके कंसेंट्रेट हो रही है। अब इसमें कैसे, भैया आपका लेंस है ना, यहाँ से आपकी लाइट रेज आई और एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट हो गई, जो क्या कर रही है, आपके पेपर को बर्न कर, आपका कहीं ना कहीं लेंस ऐसे काम करता है, बाहर से जो लाइट आती है उसको एक पॉइंट पे लेके आता है। और कुछ आपके कैसे होते हैं, आपके पॉइंट सोर्स से, आपका समझो ट्यूबलाइट है ना, आपका टॉर्च है, तो लाइट कैसे जाती है, कई बार लाइट एकदम ऐसे भी जाती है, कई बार आपकी लाइट फैल के जाती है, आपकी बाइक की लाइट देखो, स्कूटी की लाइट देखो, वो कैसी होती है, फैल के जाती है,
है ना। और कुछ लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने शादियों में देखा है वो आसमान में लाइट दिखाई देती है आपको, बीम ऑफ लाइट देखा होगा सब लोगों ने, है ना। तो लाइट को आप अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, आप उसको पैरेलल भी चला सकते हो, आप उसको डाइवर्जेंट भी मूव कर सकते हो, आप उसको कन्वर्जेंट भी मूव कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, उसको आप कैसा यूज करना है उसको पर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर सबको? यहां तो कोई डाउट, फिर आगे चलेंगे। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था लाइट का। एवरीवन क्लियर? चलिए गुड, आगे चलते हैं अभी। तो हम इस चैप्टर में दो चीज इंपॉर्टेंट है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम मोस्टली इस वीक में और देखते हैं जितना कवर अप होता है हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म करें। आप लोगों के स्कूल में चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, चल रहा है अभी चैप्टर आधा हुआ है या सिर्फ रिफ्लेक्शन तक हुआ है? नॉट स्टार्टेड, कुछ जगह स्टार्ट हुआ था चैप्टर, इसलिए हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। शायद एपीएस डिग्री में चैप्टर हो गया था आई थिंक, अच्छा या एपीएस खड़की में। ओके, कन्वेक्स मिरर तक पहुंचे फिर तो ठीक है, हम ज्यादा पीछे नहीं। अच्छा गोइंग ऑन, सुजल क्लासेस चल रही है अभी आजकल एपीएस खड़की में? चलिए, अभी आपको लाइट में आपने पढ़ा था, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो तीन काम करती है। एक काम करती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट पास ऑन हो जाता है। याद रखना हमेशा, ठीक है। लाइट तीनों चीजें करती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्ट ट्रांसपुलेंट है, या ऑब्जेक्ट ऑब्क्यू है, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसको पर डिपेंड करता है कितना रिफ्लेक्ट करेगी, कितना एब्जॉर्ब करेगी, कितना पास ऑन करेगी। अब जैसे ऑब्क्यू है, ये टोटली रिफ्लेक्ट कर देता, थोड़ा सा पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सब रिफ्लेक्ट कर देगा। ट्रांसपुलेंट क्या करता है, कुछ पार्ट पास ऑन करता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। ट्रांसपेरेंट केस में कुछ पार्ट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जॉर्ब बहुत थोड़ा सा, बाकी सब पास ऑन कर देता है, ठीक है। तो लाइट जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो तीन फिनोमेना होते हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें कई सारे लॉज हैं, ये लॉज आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इमेजेस के कुछ लॉ हैं, रे डायग्राम्स होंगे, आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक। अभी एक्चुअल में यहाँ से आपका चैप्टर लाइट स्टार्ट होता है। अब तक तो सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जो नहीं पूछा जाता, सिलेबस में कभी कभी पूछा जाता है, यहाँ से आपका एक्चुअल में सिलेबस स्टार्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम लोग एयर में है तो लाइट ट्रेवल करके आएगी, किसी टेबल के ऊपर गिरेगी, वहां से बाउंस बैक करेगी, तभी मैं उस चीज को देख सकता हूँ। तो किसी भी चीज को देखने के लिए जो सीन वाला प्रॉपर्टी होता है उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को लाइट को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आप उसको देख नहीं पाओगे, है ना। जैसे हम लाइट बंद कर दिया, लाइट बंद है, रिफ्लेक्शन बंद है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा आपका होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे प्लेन मिरर होता है, ठीक है, आपकी देखो जो लाइट रेज आती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये सब आप लोग 7th-8th में पढ़ चुके हो। और जो मिरर से टकरा के जो वापस होती है उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर ये प्लेन एकदम स्मूथ होगा, अभी स्मूथ की डेफिनेशन कौन बता सकता है, व्हाट इज स्मूथ, स्मूथ किसको बोलते हैं? स्मूथ की डेफिनेशन ये होती है, जो आपकी लाइट है, इस लाइट की जो वेवलेंथ होती है, इस लाइट की जो वेवलेंथ होती है हाईली पोलराइज्ड, हाँ, इसका मतलब क्या होता है,
देखो वेवलेंथ हम क्या बोलते हैं, आपकी वेव है, आपकी वेव, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा है और इस मिरर की वेवलेंथ, तो इसकी जब बड़ी होगी, यस, इस सरफेस विल बिहेव एज ए स्मूथ सरफेस. याद रखना कब कौन सा सरफेस स्मूथ बोल करता है, व्हेन द सरफेस वेरिएशन आर एज स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. इसका मतलब जो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ये लाइट इसको जो कर रही है, इसकी जो वेवलेंथ होगी ये ज्यादा होनी चाहिए इससे, इसकी होगी कम, इसकी वेवलेंथ होगी कम और इसकी वेवलेंथ होगी ज्यादा, तभी सरफेस कैसा बिहेव करेगा, रेगुलर पॉलिश्ड. ठीक है, वो ओनली मिरर के केस में पॉसिबल होता है और किसी भी केस में पॉसिबल नहीं होता. इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है. केवल मिरर के केस में इसकी वेवलेंथ कम होती है, किससे कम होती है, लाइट की वेवलेंथ से, याद रखना. ठीक है, तो जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, मिरर की बात करते हैं, तो मिरर का जो वेवलेंथ होता है, इसकी जो पार्टिकुलर, इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल के बीच में ये वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रस्ट के बीच में डिफरेंट मतलब डिस्टेंस, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो कम है किससे, लाइट की वेव के वेवलेंथ से, तब समझो पॉलिश्ड है. अगर वो ज्यादा है तब समझो वो सब सरफेस कैसा है, डिफ्यूज्ड है. इन ए प्लेन मिरर और ए पॉलिश सरफेस इट कैन ओनली प्रोड्यूस ए रिफ्लेक्टेड इमेज, वो दूसरा ही होता है. अब इसकी वजह से क्या होता है, समझो आपके घर में एक किताब रखी है, ठीक है, आप इसको इस कॉर्नर से देखो, इसका फायदा क्या होता है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है, इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का बेनिफिट क्या होता है, बताता हूँ. देखो पहले इसको समझते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन. आप घर में आपके शीशा लगा होगा, समझो आप जब शीशे के सामने होते हो तभी आप अपने यूज में देख सकते हो, अंडरस्टूड. आप जब शीशा होता है, आप जब शीशे को देखते हो, आपकी इमेज तभी आप देख सकते हो जब शीशे के सामने होते हो. आप शीशे के साइड में चले जाओ, आप अपनी इमेज शीशे में नहीं देख सकते. लेकिन अगर आपके रूम में एक कॉपी यहाँ पड़ी है, आप रूम के इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से, आपको बुक दिखाई दे, क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस इसके बुक का सरफेस कैसा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, बुक का सरफेस कैसा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाला. तो जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है, लाइट इसके ऊपर जब पड़ती है तो क्या होता है, वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. इसलिए अपने बुक को आप किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हो, पर मिरर के केस में ऐसा नहीं होता. मिरर के केस में होता है जो रेज आपके ऊपर पड़ती हैं वो मिरर से एकदम प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होकर आती है, इसलिए आपको अपनी इमेज केवल शीशे में दिखाई देती है. अंडरस्टूड दोनों चीजों को, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. यहाँ पर इसको और हमने बेटर में प्रेजेंट किया, एकदम आपका जिस कलर सीक्वेंस में आपका लाइट वेव आता है उसी सीक्वेंस में जाता है. यहाँ पर देखो आपका लाइट तो आया विग्योर में, तो रेड वाला यहाँ चला गया, ब्लू वाला यहाँ, ग्रीन वाला यहाँ चला, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है, और सिल्वर मेटल को सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कहते हैं. आपके घर में जो मिरर होता है, ये मिरर का फ्रंट पार्ट होता है, जो कभी आप उसके बैक साइड को देखना भूल के, उसके पीछे कोटिंग होती है, वो कोटिंग किसकी होती है, वो सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर. जो ग्लास होता है उसके पीछे कोटिंग होती है, कोटिंग क्या करती है, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और उस सिल्वर मेटल के पीछे एक कलर किया जाता है, क्योंकि सिल्वर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए उसको बचाने के लिए क्या कहते हैं, उसके पीछे कलर कर देते हैं. आप देखो पीछे रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, वो कलर होता है, उसके पीछे एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, जो उस ग्लास को क्या बना देती है, मिरर. आपका होता है ग्लास ही है, क्या होता है आपका ग्लास होता है, उसके पीछे जब एक कोटिंग हो जाती है, कौन सी कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, तो क्या बन जाता है, वो मिरर. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है,
ठीक है, आपकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए और सरफेस की वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तब कैसा बिहेव करेगा? स्मूथ सरफेस। चलिए आगे देखते हैं, कुछ लॉज हैं, ये लॉज आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े थे आई थिंक, हम उन लॉज को वापस याद करेंगे और इनको वापस रिपीट करेंगे क्योंकि आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल, ठीक है, जैसे ये आपका मिरर है, आपका मिरर है, ये आपके इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका क्या है नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, ये सेम साइड है, ये मिरर का फ्रंट साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है, बैक साइड में देखो नहीं गया, बैक साइड में गया क्या? नहीं गया, ठीक है। तो ये तीनों, इसको कई बार बोलते हैं इन वन प्लेन, वन प्लेन, एक ही प्लेन की तरफ, या मतलब एक ही साइड है, जिस तरह से इंसिडेंट रे है उधर आपका नॉर्मल है, उधर आपका रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा इसका लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो थीटा होता है, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब चीज आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, रिपीट करने के लिए इसको हम वापस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल कब होता है, जब ये नॉर्मल के इक्वल होता है, जब इंसिडेंट रे एकदम 90 डिग्री पे ट्रेवल करती है, तो आपकी रे रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे वापस जाती है, इसी पाथ पे जाएगी, मिरर से टकराएगी और उसी पाथ पे रिटर्न आ जाती है, ये भी आ जाता है, ठीक है। अभी अखिलेश अभी आवाज ठीक है, बहुत कुछ ये वाला पार्ट फिनिश करेंगे, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, अभी देखो लाइट है और ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, लाइट है, ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्शन है, अभी आवाज ठीक है। कई बार नेट की वजह से लाइट फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है बच्चा, वन सेकेंड एक काम करता हूँ, अभी आवाज ठीक है, अब मैं मोबाइल से बात कर लेता हूँ, यस अभी आवाज क्लियर, अभी आवाज क्लियर है, यस। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखता है ना, जब उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, अगर लाइट पूरा पास ऑन होकर चली गई, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो हम उसकी इमेज देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो इमेज दो तरह की बताई जाती है, एक इमेज होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे आप इस आदमी को देखना चाहते हो, ये अपना जोकर है, सिपाही है, ठीक है, आप इसको देखना चाहते हो, ठीक है, इसको आप कब देख पाओगे, इसको आप कब देख पाओगे, जब इसके ऊपर लाइट रेस पड़ेंगी, जब इसके ऊपर लाइट रेस पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होके आएगा इसका कहीं ना कहीं, जैसे हम किसी चीज को कब देख, हमारी आईज क्या काम करती है, हमारी आईज क्या करती है, जो सामने ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट तो वहां पर होता है, सामने होता है, ठीक है, उसके ऊपर लाइट रे पड़ती है, क्या होता है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और हम यहाँ पर, ये हमारी आई है, ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर क्या होता है, हमारी आईज पे ये रिफ्लेक्टर लाई आती है और हमारे आई के अंदर, हमारी आई के अंदर ये ऑब्जेक्ट की एक इमेज क्रिएट होती है। हमारे आई का जो बैक पोर्शन होता है वो एक स्क्रीन का काम करता है, कौन सा काम करता है, स्क्रीन, आप लोगों ने देखा प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, हमारे लैपटॉप में कोई चीज है वो सामने दीवार पे कैसे दिखती है, हम एक स्क्रीन लगाते हैं, वो लाइट प्रोजेक्ट होती है, वो एक्चुअल में होता कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट गई, लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर क्या करती है, एक स्क्रीन पे आती है, हमारी आई क्या काम करती है, एक स्क्रीन का काम करती है, ऑब्जेक्ट तो सामने है, ऑब्जेक्ट तो सामने रखा है, वो है सामने, पर उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज हमारी आई के अंदर बनती है, तभी हम उसको देख पाते,
ऑब्जेक्ट सामने है पर लाइट नहीं आ रही है, आप इसको नहीं देख पाओगे जब तक, हाँ यस उसको रेटिना बोलते हैं, ठीक है, जब तक ये लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ के हमारी आई के अंदर एंटर नहीं करेगी तब तक इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या बनता है इमेज बनता है, तो ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर है पर हमारी आई इसको कैसे पता लगता है, इसका इमेज यहाँ बनता है, अंडरस्टूड। तो कोई भी चीज सामने होती है वो सामने है पर दिखती कहाँ पर है, हमारी आईज में दिखती है, ठीक है। तो इसी तरह इसी कंसेप्ट के ऊपर दो तरह की इमेज फॉर्म होती है, एक को बोलते हैं रियल इमेज, एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होती है उसको आप प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसको आप किसी स्क्रीन पे ले सकते हो, इसलिए उसको रियल कहते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज होती है जिसको आप किसी भी स्क्रीन पर नहीं ले सकते, जैसे आप अपने आपको कभी शीशे में देखो, ठीक है, आप उसको आप शीशे से हट जाओ तो आप अपनी इमेज वहां से निकाल के कहीं और लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, और आप प्रोजेक्टर में कर सकते हो, अपने रूम में प्रोजेक्टर लगा लो, दूसरे रूम में प्रोजेक्टर लगा लो, आप तीसरे रूम में प्रोजेक्टर लगा लो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो दो तरह की इमेजेस होती है, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, इसके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखो व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट टू फॉर्म ए रियल इमेज, होता कैसा है, जब ये लाइट रे, समझो आपको ऑब्जेक्ट है, ये हम एक्चुअली में आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जब इसको हम प्रॉपर्टीज, अभी सिर्फ इसको, अच्छा अभी इसको सिर्फ समझने के लिए समझो, अभी इसको सिर्फ थ्योरेटिकली समझो, इसको प्रैक्टिकली हम कल जब क्लास होगा, ये जब स्फेरिकल मिरर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब इसको समझेंगे, ठीक है। जहां पर लाइट रे एक्चुअली मीट करती है वहां पर एक रियल इमेज फॉर्म होती है, यहाँ पर जो मीटिंग का पॉइंट है यह है रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है, एक्चुअल में मीट होती है वहां पर कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है। लेकिन जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल मीट नहीं करती, अपीयर होती है, हाँ मिल सकती है ना, रियल इमेज में क्या होता है मिलती है, पर वर्चुअल इमेज में क्या होता है अपीयर होती है, हाँ मिल सकती है, उसको क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज। और इसके फिनोमेना क्या होते हैं, ये डिफरेंसेस याद रखना, कई बार पूछा था 2 marks व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट आर वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की और खासियत क्या होती है, ये नॉर्मली इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अगर ऐसा आपको ए ऐसा है तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी उल्टा, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल इमेज सीधी रहती है, आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपकी इमेज आपको कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। कई बार आप सर्कस में जाते हो, वहां पर आप किसी ग्लास के सामने जाते हो, कई बार देखो आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखता है, कई बार छोटा दिखता है, कई बार आप उल्टे भी दिखाई देते हो, है ना, तो ऐसी होता है। तो जो रियल इमेज होती है कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी दिखाई देती है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी दिखाई देती है। अगर ए है तो आपको ए ही दिखाई देगा, उल्टा ए नहीं दिखाई देगा। रियल इमेज आप स्क्रीन पे ले सकते हो, प्रोजेक्टर्स पे ले सकते हो, बट आप वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इसको पढ़ेंगे जब आप, हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तब ये कंसेप्ट और क्लियर, अभी से इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करें। थर्ड फोर्थ पॉइंट, रियल इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड लेंस, जिसको आगे पढ़ेंगे मिरर, दो मैंने इस बताया, इस चैप्टर में दो चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मिरर और दूसरा पढ़ेंगे लेंसेज। तो ये पॉइंट वहां का है, मिरर में जब इमेज बनती है वो मिरर के सामने बनती है, समझो आपका ये मिरर है, आपका मतलब मिरर है, ऐसा मिरर है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, इसके सामने, इसके सामने। लेंस में कैसा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां पर बनेगी, ऐसा। तो वही बात है कि मतलब रियल इमेज कहां पर, मतलब रियल इमेज की बात हो रही है, रियल इमेज की बात हो रही है, जब भी रियल इमेज फॉर्म होगी मिरर केस के इसमें फ्रंट में बनेगी और लेंस के केस में लेंस के पीछे बनेगी। बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है, मिरर में वो पीछे बनती है, यहां पर बनेगी अगर मिरर अलग होगा तो, और लेंस के केस में
फ्रंट मेमोरी, ये पॉइंट अभी आपको कंफ्यूजिंग है फोर्थ वाला, और जब हम इस टॉपिक में आगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, इमेज फॉर्मेशन जब आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर फ्रंट है, क्या बिहाइंड, आपको धीरे धीरे इसमें समझ में आएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है वी कैन रीच टू द इमेज, जैसे आप स्क्रीन को तो देख सकते हो लेकिन आप शीशे में अगर आप अपनी इमेज को टच करना चाहो आप नहीं टच कर सकते, या हम सब लोगों ने महसूस किया है ना। यस, अब लास्ट पार्ट आज का, ये मिरर कैसे होते हैं, फर्स्ट प्लेन मिरर। अब अभी तीन हमने कहा ना इस चैप्टर में मिरर्स पढ़ेंगे, तो दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो प्लेन मिरर के ऊपर ऊपर ज्यादा कभी नहीं आता, ये प्लेन मिरर हर सब लोगों ने देखा है, ऐसा प्लेन मिरर होता है। इसकी कुछ खासियत होती है वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इसकी खासियत क्या होती है, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज। मिरर में जब आपकी इमेज बनती है तो आपकी जितनी हाइट है आपको उतनी हाइट दिखाई देती है, कब, जब मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। हमने कहा ना दो मिरर पढ़ेंगे, एक प्लेन मिरर पढ़ेंगे एक स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, जब एकदम प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, आप अगर 2 मीटर हाइट के हो तो आपकी इमेज भी कितनी होगी, 2 मीटर हाइट की होगी। तो ऑब्जेक्ट जितना साइज है इमेज भी उतनी साइज की होती है, चेंज नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है इमेज भी उतनी दूर होगी। आप अपने शीशे के सामने खड़े हो, आप 2 मीटर पीछे खड़े हो, ठीक है, समझो आपका ये मिरर है और आप यहां पर खड़े हो इस लोकेशन पे, ये 2 मीटर है, तो मिरर के अंदर भी आपको क्या दिखाई देगा, आपकी इमेज, ये भी 2 मीटर दूर है। आप मिरर के पास में जाओगे इमेज आपके पास आती जाएगी, आप मिरर से दूर जाओगे आपकी इमेज भी पीछे जाती जाएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, भाई अटेंडेंस देने को नहीं कभी मैंने, यश अभी क्लास चल रही है आपको जल्दी है तो आप जा सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, हमेशा रखें। थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट 2 मार्क्स में पूछे आते हैं कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। थर्ड, एटीट्यूड ओरिएंटेशन इज ऑलवेज अपराइट, है ना, इसका इमेज कैसे बनता है, इसका इमेज कैसे बनता है, स्ट्रेट। अगर आप सीधे खड़े हो तो आप उल्टा नहीं दिखाई दोगे, है ना, मैंने आपको कहा था ना इमेज कैसे होती है, इरेक्ट होती है, ऐसा है तो ऐसा नहीं दिखाई दोगे, ए हो तो ए ही दिखाई दोगे, बी हो तो बी दिखाई दे, तो आपकी इमेज कैसी होती है, एकदम अब इरेक्ट होती है, मतलब सीधी खड़ी होती है। फोर्थ पॉइंट, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, अपनी इमेज को आप टच नहीं कर सकते, है ना, ये शीशे के अंदर बनती है, शीशे के बाहर नहीं बनती, शीशे के अंदर बनती दिखाई देती। फिफ्थ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इमेज इज रिवर्स्ड, जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है और जो राइट होता है वो आपको लेफ्ट दिखता है ना। अभी मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया शीशे में क्या दिखाई देगा, राइट हैंड, आप राइट हैंड उठाओगे शीशे में क्या दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्शन, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्शन। इसलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा एम्बुलेंस में जो शीशा होता है उसके सामने एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों, क्योंकि जब आप सामने जा रहे हो आपको जब वो दिखाई देगा एम्बुलेंस लिखा हुआ आपके शीशे में सीधा दिखाई देगा, ठीक है, ये फिनोमिना यूज होता है, इसको क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्शन। तो ये करेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक में देखो बहुत कुछ है कि अब 2 तरह के मिरर आएंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसको समझेंगे उसमें क्या होता है, फिर ये सब के रेज डायग्राम सीखेंगे, प्रिंसिपल फोकस का बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इमेज फॉर्मेशन क्या क्या होता है, इमेज कहाँ पर बनती है, किस टाइप का मिरर होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा तो क्या इमेज बनेगी, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है जो भी पढ़ाया तो आप लोग पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चा। Sir, you asked a question about moonlight recently. So I have some points to be added into it. I thought about it and I also researched it. So, sir, the reason could be that about the surface also. Like if we compare the Earth's surface and the moon's surface, we all are aware of the fact that the Earth's surface is much larger than the moon.
So if we talk about Earth surface, so it has to so if we talk about the moon surface, it reflects that light, but it does not reaches the Earth properly, like because the area of the Earth surface is larger. So to every single sector of the Earth, a very small amount of light actually reaches to it. So this could be the reason, and sir, this could also be the reason that while the moonlight, which is actually which is heated, when it is passing through a lot of phases. So all of those phases actually reduce the amount of heat which is present. So this could also be a reason. And so if we talk about who actually knows that does moon really reflect the sunlight or not? Because those the scientists have stated it, but I think the scientists are still researching on it about this entire fact. Yes, sir. Bilkul sahi baat hai. Ye bhi fact ho sakta hai, sir. Thank you, Prasanthi. Thank you very much. ऐसे आप लोग भी ढूंढिए, क्योंकि जब तक आप जितना साइंस में डीप जाएंगे ना, तो उतना आप इस चीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैंने भी बहुत दिन से ढूंढा इस चीज को, तो मुझे इसका कुछ क्लियरिटी नहीं मिला। ओके, सर ने पूछा, सर द इमेज विच फॉर्म बिहाइंड अवर आई लेंस इज रियल इमेज राइट? आप पहले अभी हम जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे ना, हम जब लेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या फॉर्म होता है। मैंने आपको हमारा आईज कैसा होता है, एक लेंस की तरह काम कर, तो लेंस पे इमेज कहाँ फॉर्म होती है आपको दिखाई। अभी हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ पर ये वाला लेंस के केस में इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, बिहाइंड। और वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फ्रंट में। रेटिना कहाँ पर होता है, बैक साइड में। इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। सर ह्यूमंस आर ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस? ह्यूमंस आर बेटा नॉन ल्यूमिनियस, हमारी खुद की कोई लाइट नहीं होती, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, किसी भी टाइप का अगर डाउट नहीं, तो प्लीज एक बार फटाफट अटेंडेंस दे दो, बहुत दिन हो गए आप लोगों के अटेंडेंस लिए हुए। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर इफ यू टॉक अबाउट मून, सो इनसाइड द मून देयर इज दैट टाइडल हीटिंग व्हिच टेक्स प्लेस। सो इफ देयर इज दैट टाइडल हीटिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज़ ऑफ व्हिच द मून इज बीइंग हीटेड, देन व्हाई इज द मून नॉट अगेन लाइक रिफ्लेक्टिंग द हीट? The sun is the different thing, but even inside the moon there is the heat phenomenon which is occurring. So why is the moon not emitting its own heat? But लेकिन ऐसा कहते हैं कि moon के पास खुद का light नहीं है, उसका light नहीं तो emit कैसे करेगा? नहीं sir, पर वो खुद की heat क्यों नहीं emit कर रहा, क्योंकि like वो इसलिए नहीं कर रहा ना, क्योंकि sun पे तो reaction होता है ना hydrogen का। सन के पास तो हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, उसकी वजह से बहुत सारी लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है। बट देन सर इनसाइड द मून आल्सो बिकॉज़ ऑफ द टाइड्स देयर इज हीट अकरिंग राइट? मून के अंदर जो टाइड्स का ये होता है, उसकी वजह से हीट बहुत आती है मून के अंदर, तो वो मून जो है वो उसकी वजह से क्यों नहीं हीट जो है वो ये कर पा रहा है? माइट भी हो सकता है, पर उसका लेवल उतना नहीं होगा। जैसे हम माचिस की तिल्ली जलाएं और एक बड़ा आग का गोला लगाएं, तो दो में डिफरेंस होगा। हो सकता है उसमें हीट प्रोड्यूस हो, पर उतना अमाउंट ना हो कि उसका जो सेंसिटिव हमारी अर्थ तक हमको महसूस हो, ये रीजन भी हो सकता है। पर फर्स्ट डाउट तो मुझे ये भी है कि हम मून पे गए या नहीं गए हैं, या ये सब थ्योरी है, ये भी हो सकता है। सर ये भी हो सकता है कि मून सच में लाइट रिफ्लेक्ट करता भी है सन की या नहीं, या सिर्फ ये एक मिथ है? यस बेटा, प्रसिद्ध जी मुझे तो ये भी डाउट है कि हम मून पे गए नहीं। अभी हम कहते हैं हमने रोवर वहां भेजा मार्स पे, हो सकता है वहां पर गए ना हो कभी, ये भी फैक्ट हो सकता है। जो मैंने एक थ्योरी पढ़ी है कि हम मून पे कभी नहीं गए, जो नासा ने जो फैलाया था वो भी रिफ्यूटेड है। अगर सोचो हम 1963 में अगर मून पे गए थे, तो अभी तक हमने फिर से जाने का चांस क्यों नहीं किया? पहले की टेक्नोलॉजी 1960 की टेक्नोलॉजी, और आज 50 साल बाद एक अटेम्प्ट नहीं हुआ मून पे जाने का, ये फेक तो लगता ही है। सर एक थ्योरी ये है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो एक्चुअली मून पे नहीं गए थे, वो तो ये पूरा जस्ट ये प्लान, क्योंकि देखो सबसे पहले रशिया ने ट्राई किया, यूरी गागरिन सबसे पहले स्पेस में गया। रशिया उस टाइम टेक्नोलॉजी में अमेरिका से बहुत आगे, रशिया ने बहुत पहले स्टार्ट किया 1952 के आसपास। अचानक से अमेरिका कहता है कि हम चांद पे पहुंच गए, पॉसिबल था ही नहीं। तो ये पूरा थ्योरी एक तो फेक है, इसलिए वहां से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही है नासा से कि मून पे क्लाइमेट है नहीं है रिफ्लेक्ट, ये सब मतलब ऐसा कि जस्ट एजम्पशंस है। पर लेकिन देखो शास्त्र क्या कहता है, हम आपको शास्त्रों की बात बताते हैं। शास्त्र कहता है जो जैसे अर्थ पे लिविंग है, उसी तरह मून पे भी लिविंग है,
उसी तरह सन पे भी लिविंग है, उस तरह मार्स भी ना, यहाँ पर हर जगह लोग निवास करते हैं, हम उनको देख नहीं पाते। अलग बात आपको बताता हूँ, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो जिसको स्वर्ग कहते हैं, जो स्वर्ग है वो चंदा चांद के ऊपर ही, वो कहीं दूर नहीं है, वो चांद के ऊपर। ये शास्त्र, ये तो शास्त्र कहते हैं, और हम कभी भी अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर जा ही नहीं पाते, ये भी एक रियलिटी है। मैंने जितना स्पिरिचुअलिटी में पढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी क्लियर बताती है अर्थ के बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कोई मेटल एग्जिस्ट नहीं करता अर्थ के सरफेस पे कि हम अर्थ के एटमोस्फेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, पॉसिबल ही नहीं। पर हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से गए चांद पे पहुंच गए, पॉसिबल ही नहीं। इतने मतलब एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी क्या कहेगा, यार हम 1963 में चांद पे जाके आए थे, आज हम जाने की फिर बात कर रहे हैं, 50 साल बाद हम एक बार भी नहीं गए, हमने एक अटेम्प्ट नहीं लिया जाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जमाने में जब कंप्यूटर मोबाइल नहीं होता था, आज तो हम कंप्यूटर मोबाइल है तो हर चीज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो किसी ने अभी तक मून पे जाने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक फेक मीडिया भी होता है, फेक सिस्टम है जो पूरी दुनिया में वर्किंग करता है, जो हमको नहीं पता, और हम एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, ये भी नहीं पता। कल मैं लॉर्ड मैकॉले को सुन रहा था, एक मोकेलो करके जो इंडियन में, जिसने इंडियन का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया, उसने क्या कितना बताया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया था, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं एक्चुअली इसको कुछ मीनिंग नहीं दिखता अगर इसको सही में देखा जाए तो। पर फिर स्टिल